नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है। जो जगह मैं खड़ा हूँ आप देख ही सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, मैं खड़ा हूँ करसिंधु गांव के जो एंट्रेंस है, जो मेन गेट है वहाँ पर। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई थी करसिंधु गांव का जो ठिक्कर पहरा था उसको हटा दिया गया है। डीसी के सख्त आदेश हैं, ठिक्कर पहरा हर गांव में लगेगा ताकि गांव में कोई अनवांटेड व्यक्ति ना आए, कोई संक्रमित व्यक्ति ना घुसे और गांव के लोगों को भी बाहर जाने से रोका जाए। ठिक्कर पहरा इसलिए लगाया जा रहा था इन दिनों। अब ठिक्कर पहरा यहां से हटा दिया गया तो उसके मायने क्या है समझिए आप। मायने ये है कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे संक्रमित है, वो गांव में आ जा सकता है, गांव में संक्रमण फैला सकता है। गांव के जो व्यक्ति है जो अनवांटेड यहाँ से निकल जा सकते हैं, कहीं भी वो जा सकते हैं, वहां से संक्रमण वो लेकर वापस गांव में आएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठिक्कर पहरे के मायने ये होते हैं। अब ये ठिक्कर पहरा डीसी आदित्य दहिया ने कहा था कि ठिक्कर पहरा हर गांव में लगेगा। बीडीपीओ इस आदेश का पालन करा रहे हैं, एसडीएम साहब इस आदेश का पालन करा रहे हैं और सरपंच की ये ड्यूटी बनती है कि वो इसका पालन कराएं। अब जो यहाँ के सरपंच विजय कौशिक, हम उनसे बात करने वाले हैं कि ठिक्कर पहरा किन के आदेश पर हटाया गया और क्यों हटाया गया, जब पता है पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा हरियाणा और हमारा सफीदो ब्लॉक इस त्रासदी से झुलस रहा है। तो ऐसे गंभीर समय पर उन्होंने ठिक्कर पहरा क्यों हटाया, जांच का विषय रहेगा। जो यहाँ के मौजूद व्यक्ति हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर किस क्या कारण रहे ठिक्कर पहरा हटाने के। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ गांव के अंदर और मैं दर्शकों को बता दूँ, गांव के एंटर करने के लिए, करसिंधु गांव में एंटर करने के लिए दो रास्ते हैं। एक मेन रास्ता जो पानीपत रोड पर पड़ता है, वो बिल्कुल मेन जिस पर मैं खड़ा हूँ। दूसरा रास्ता अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में जो लाइन की तरफ है और जो गांव है टिट्टो खेड़ी पर वो सीधा जाके निकलता है। मैं दोनों रास्ते पर आपको दिखाने वाला हूँ कि स्थिति कैसी है और गाँव के अंदर का माहौल भी, और ग्रामवासियों से बात करके भी आपको बताने वाले हूँ। आप मेरे साथ चलिएगा गाँव में। आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। गांव के अंदर हम जा रहे हैं, देखने वाले हैं हाल, देख सकते हैं सुनसान गांव है, स्थिति काफ़ी अच्छी। दोपहर का वक्त है, तकरीबन 1:15 बजा है और आप देख सकते हैं गांव बिल्कुल सुनसान है। वहां पर कुछ गांव के युवा हैं, वो हमारे साथ है। अब हम दिखाने वाले हैं आपको, चौकीदार हैं यहां पर, उनको हम दिखाने वाले हैं। जी चौकीदार है यहाँ पर। चौकीदार जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। हाँ, ठिक्कर पहरा हटा दिया गया, किन के आदेश से ठिक्कर पहरा हटाया गया है? ये ठिक्कर पहरा जी, हम पहरा लगा रहे थे तो वहाँ एकदम पहरा हटाया गया। मैं गश्त पर साहब जी, जी मैं गांव की जो ठिक्कर पहरे लग रहे थे उनको मैं ड्यूटी के लिए कह गया हुआ था और मैं जो गांव में राशन आता है उनके लिए मैं गोवा देने गया था जी। इतने में आई तो यहाँ लोग बाग कुछ गड़बड़ कर रहे थे और उन्होंने ठिक्कर पहरा। तो क्या इस बारे में जब ठिक्कर पहरा हटाया जा रहा था तो क्या आपने सरपंच से तब बात की? सर, सरपंच साहब यहाँ, पूरी पंचायत और सरपंच साहब मौके पे मौजूद थे जी। तो फिर किसने निर्णय लिया कि ठिक्कर पहरा नहीं होगा करसिंधु गांव में? सर ये बात सरपंच साहब से और पंचायत से पूछी जी। जी जी, आप भी इस एक इस जंग में एक योद्धा के तौर पर हैं, ठिक्कर पहरे में आपका भी अहम रोल रहता है। जी सर, जी सर। मैं सर जिस दिन से ये अपने गांव में लॉकडाउन लागू हुआ है, मैं सुबह 6 बजे जाता हूं और 11 बजे शाम को आता हूं सर, और सब दिन में ठेकरी पहरे। अभी अभी SHO साहब आए थे, उन्हें मेरे को कुछ आदेश दिए थे, मैं उस आदेश का ये पालन करवा रहा सर। जी जी जी, क्या आदेश मिले अब आपको? मेरे को आदेश मिले कि सरपंच साहब से बोलो दोबारा ठेकर पहरा लगाए। जी जी जी, हाँ। कब हटाया गया था ये? ये शाम को 5:30 6 बजे साहब। और तकरीबन अब 1:15 का टाइम है तो अब तक पहरा नहीं लगाया गया। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमबीर सिंह चौकीदार है साहब जी। करमबीर, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ करमबीर सिंह है जो कहते हैं कि कल शाम को यहाँ पर, जी हाँ, जो हमें सूचना मिली थी कहीं ना कहीं वो सही है, वो बिल्कुल सत्य है। कहा गया था कि जो ठिक्कर पहरा कल शाम को हटाया गया है, आज हम दोपहर में खड़े हैं, 1:15 का वक्त है। अब भी अब खुद चौकीदार की जुबानी आप सुन चुके हैं, वो कहते हैं कि अभी तक ठिक्कर पहरा नहीं लगाया गया है। तो कमाल की बात है वैसे,
जब डीसी के सख्त आदेश हैं तो सरपंच कैसे उसको हटा सकता है? हटा नहीं सकता, लेकिन यहाँ हटाया गया तो हम सरपंच से भी खुद बात करेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ युवा हैं उनसे हम बात करेंगे। गांव के युवा है हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे क्या मामला था। क्या नाम है आपका? विकास जी। विकास, कल ठिकर पहरा हटाया गया है, आपको पता है इस बारे में? हाँ जी, क्या वजह हुई? वजह तो वहाँ पर जी, वहाँ पर 40-50 आदमी एकदम बटेड हो जाते थे शाम के टाइम पे, तो ठिकर पहरे के एवज में उसके हाँ रूप में ही वहां भीड़ वहाँ लगा दी जाती थी। जैसे सर 50 आता था, 10-20 उसके साथ आ जाते थे। अच्छा, तो ये 20-50 लोग होते कौन थे? गांव गांव के के ही ही? होते थे, गांव के ही होते थे। जी, तो वहाँ से कोई बाहर का आया है तो वो अंदर गांव में घुसा है, तो वहाँ पे ऐतराज हुआ तो उसके सरपंच ने हटा दिया ठेकरी पर। तो सरपंच ने कहा कि पहरा हाँ हटा दे। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि 10-20-50 लोग इकट्ठे हो जाते थे, बड़े कमाल की बात सामने आ रही है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? ठिकर पहरा हटाया गया है कल। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है, चाहे रीजन कुछ भी हो, गांव के अंदर जो ठीकरी पैरा है वो माननीय मोदी जी या हमारे माननीय खट्टर साहब या डीसी साहब, तो ये देखो सबकी एक जिम्मेदारी है, ये सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन गांव के अंदर तो अगर आप कोई, लोगों ने फिर सरपंच को कहा नहीं कि भाई ठिकर पैरा क्यों हटा रहे हैं आप? देखिए हम उस टाइम उस समय पे नहीं थे, लेकिन उस टाइम देखो बाहर से अगर कोई बंदा आता, पहली चीज तो लॉकडाउन है, बाहर से ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता। जी लेकिन ये पूरे गांव की एक सुरक्षा की बात है, जी ये किसी व्यक्ति विशेष की, सरपंच या किसी मेंबर या कोई पंचायत की बात नहीं है, पूरे गांव की सुरक्षा का मामला है। जी अगर कि कोई बंदा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, अगर कोई बंदा गांव के चारों ओर घूम गए या जी कोई और कोई संक्रमण का शिकार हो गया तो जी पूरा गांव, 18 घंटे बीत गए हैं ठिकर पैरा हटे को, तो गांव के जागरूक नागरिक होने के नाते क्या आपने सरपंच से बात करना उचित नहीं समझा? नहीं देखो, मेरी सरपंच साहब के साथ अभी तक कोई बात नहीं, जी लेकिन पहले भी पूरा सपोर्ट गांव का था, जी ठीक है, और अब भी जैसे युवा साथी हैं तो हम मिलके आगे भी पूरी सपोर्ट करेंगे कि लॉकडाउन में जो भी गांव के अंदर ठीकरी पैरा है उसको दोबारा लगाया जाए, और जिन जिनकी सरपंच साहब ने जो भी ड्यूटी लगाई गई थी वो बंदे सारे अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, सरपंच निवास श्री विजय सिंह कौशिक, गांव करसिंधु। जी हाँ, हम पहुंचे हैं करसिंधु के सरपंच के निवास पर। बताने वाले हैं अपने दर्शकों को कि किस वजह से पहरा हटाया गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ से ये पानीपत रोड बिल्कुल साफ। जो हम दूसरे छोर की आपको बात कर रहे थे ठिकर पहरा, वहां भी आप सामने देख सकते हैं कहीं ठिकर पहरा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप सामने दूर दूर तक देख सकते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण तो सरपंच को ही देना होगा। अच्छा, जी सरपंच साहब, ठिकर पहरा कल रात को हटाया गया है, 18 घंटे होने को है, दोबारा नहीं बिठाया गया, क्या वजह रही ठिकर पहरा हटाने की? सर ठिकर पहरा सरकार के डीसी साहब के आदेश अनुसार हमारे गांव में लगाया था हमने। जी ठिकर पहरे का मेन उद्देश्य यही होता है कि गांव में लॉकडाउन करना, जो बाहर से लोगों को गांव में ना आना देना। जी और कुछ गांव के ही तत्व जी बार बार उस चीज का उल्लंघन कर रहे थे, जब उस चीज का बार बार उल्लंघन हो रहा है तो उसका लगाने का फिर कोई उचित नहीं रहता। जी जी, इसलिए गांव में रोष है। कल एक संजीव कुमार ईश्वर सिंह का लड़का, उसका कोई बाहर से रिलेटिव आया होगा, कोई ड्राइवर था उसको, वो गांव के पूरी ठिकरी पर रह के होते हुए जबरदस्ती उसको गांव में उन्होंने एंट्री शरण दी, इसलिए गांव में रोष होने के कारण आज हमारे गांव में ठिकरी पैरा समाप्त कर दिया जी। तो क्या जब उन्होंने आज अपने चाहने वाले को अंदर बुलाया तो क्या आपने उनसे बात की, उनके परिवार को से कह के उनको समझाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल सर, हमने बहुत उनको समझाने की कोशिश की, हमने कहा वे ठीक है, ये कानून सबके लिए लागू है, तुम्हारे लिए नहीं, पहली बार तो किसी रिश्तेदार को गांव में एंट्री बुलानी ही नहीं चाहिए। जी जी, और अगर ये गांव में आया है तो तुम यहीं मिलो और यहीं से वापस इसको भेज दो। जी लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने चकमा दे करके गांव में मोटरसाइकिल में बिठा करके अपने घर पर लेके चले गए। अब हम किसी के साथ हाथापाई तो कर नहीं सकते, इसके तुरंत प्रभाव में हमने इसकी जानकारी SHO सफीदों को दे दी, BDPO सफीदों को दे दी, हमारे ग्राम सचिवालय सचिव को दे दी, SDM दफ्तर में हमने अपनी जो ऊपर अधिकारियों को सबको इसके बारे में अवगत करा दिया, और रिटर्न में लिख कर उनको लेटर एड पर दरखास्त सभी सभी को दी थी आपने? बिल्कुल, बाय नेम दिए? बिल्कुल ना, बाय नेम हमने उनकी दरखास्त दे चुके हैं सर।
तो फिर जो फैसला लिया गया ठिकर पैरा हटाने का, वो सर्वसम्मति से लिया गया या आपके द्वारा लिया गया? भाई हमारे पूरी पंचायत और जो भी वहाँ पैरे पे थे उन्होंने ये कहा है कि जब तक इस बात का समाधान ना हो तो ठिकर पैरे का लगाने का कोई उचित नहीं है। जब लोग गांव के कोऑपरेट करेंगे तभी ठिकर पैर आगे चालू होगा। सरपंच साहब, क्या आपको नहीं लगता किसी एक की नादानी की वजह से आप पूरे गाँव को खतरे में डाल रहे हैं? नहीं, एक की नादानी नहीं सर, इसमें गाँव के कई आदमी इससे पहले भी आ चुके हैं, उनको भी बार बार समझाया गया है। एक मुस्लिम परिवार की एक लेडी है जी। एक आदमी के कहने से नहीं होता सर, ये तो जो मान ही नहीं रहे हैं तो मानना तो प्रशासन अब पंचायत क्या करेगी, उनके साथ लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकती ना, हम उनको समझा ही सकते हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं बार बार कहने के बाद में भी जी। फिर हमने उनको जो लोगों को यही मोटिवेट करे, भाई लोग ऐसे नहीं मान रहे तो अपने घर में रह करके लॉकडाउन करो जी। जो आपने एप्लीकेशन दी है एसडीएम को दी है, सचिव को दी है, बीडीपीओ को दी है, तो उस पर कोई एक्शन हुआ अभी तक? सर उसके ऊपर अभी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि हम तुरंत अभी तक एक्शन नहीं हुआ है जी। एक्शन होगा सर, उसके बाद में हम आपको बता देंगे सर जी। शुक्रिया। तो देखा आपने, सरपंच कहते हैं कि जो संजीव पुत्र ईश्वर है उन्होंने ही लॉकडाउन का उल्लंघन किया और इसकी एप्लीकेशन उन्होंने बीडीपीओ को, पंचायत सेक्रेटरी को, एसडीएम को, एसएचओ को भी दी है। अब प्रशासन ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है, क्यों नहीं किया है ये भी जांच का विषय है। और इसमें भी हम देखना चाहेंगे कि प्रशासन अब अगला कदम क्या उठाता है, ठिकर पहरा कब से यहाँ लगना शुरू होगा, या फिर डीसी को ही कोई सख्त एक्शन लेना होगा यहाँ प्रशासन के खिलाफ, सरपंच के खिलाफ या उन दोषियान के खिलाफ। तो अब देखते हैं अगली कार्रवाई क्या रहती है। तब तक आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, कंचन टीवी आपको इस तरह की अपडेट देता रहेगा। जुड़े रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप के साथ मैं यशपाल कंचन।